साइबर सेल द्वारा नववर्ष पर लगभग 9,50,000 के स्मार्ट मोबाइल फोन वितरण कर 74 आमजनों के चेहरों पर खुशियां लौटाई गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कंट्रोल रूम में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश पाठक, शहर के दो थाना प्रभारी अरुण पांडे व राघवेंद्र द्विवेदी द्वारा 9,50,000 के 74 गुमे हुए मोबाइल जो चोरी हो गए थे, उन लोगों ने विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन हितग्राहियों को पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से बरामद कर उनका मोबाइल वितरण किया। हितग्राहियों ने कहा कि नया साल हमारे लिए खुशियां लेकर आया है, हम लोगों ने पुलिस के बारे में कुछ और सोचा था, लेकिन पुलिस ने आज अच्छा कार्य किया, हम लोग बहुत खुश हैं। सिंगरौली पुलिस के लिए बहुत बहुत बधाई व नया साल मंगलमय हो। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज सिंगरौली जिले के विभिन्न लोगों के 74 मोबाइल फोन अनुमानित, जिनकी कीमत 9,50,000 है, जिन लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, हमने साइबर के माध्यम से इन लोगों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनके मोबाइल थे उन लोगों को वितरित कराए गए। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नया साल सिंगरौली जिले के सभी लोगों को शुभकामनाएं, पुलिस हमेशा ही ऐसे लोगों का सहयोग करती रहेगी, पुलिस के बारे में लोग अच्छी सोच रखें, सिंगरौली पुलिस आपके साथ है, कहीं कोई यदि अपराध घटित हो तो सीधे पुलिस को बताएं, उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे। देखिए, आज 74 मोबाइल जो गुम हो गए थे, खो गए थे और साइबर सेल में इनकी शिकायतें थी। लंबे समय से साइबर सेल हमारा इसके लिए प्रयासरत था और उसको इन मोबाइलों को ट्रैक कर रहा था। ऐसे 74 मोबाइल हम लोगों ने आज जो है, जो उनके प्रार्थी हैं, फरियादी हैं, इनको संपर्क करके बुलाया था और काफी फरियादी आज आए भी थे, उनको हमने उनके मोबाइल वापस किए हैं। ये जो मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं, इनकी कीमत लगभग 9,50,000 के आसपास है और अभी भी काफी मोबाइल हैं जो गुमशुदगी की जिनकी रिपोर्ट है यहाँ पे, और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और पुलिस ने भी उनको ट्रैक करके जो इनके फरियादी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने दो उपभोक्ताओं से बात किया, उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, पुलिस का ये बहुत अच्छा कार्य है, हमारे लिए नया वर्ष एक तोहफा की तरह है। निश्चित रूप से ये कोई चीज अगर आपकी खोई हुई है वो नए साल में मिल जाती है तो इससे अच्छा उनके लिए कोई नया तोहफा नहीं हो सकता। तो वैसे सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से पूरे जिले की जनता को तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि आसपास आपके कहीं कोई ऐसी गतिविधि चल रही है जो विधि सम्मत नहीं है, अवैध गतिविधि है, कृपया उसकी सूचना पुलिस को दें। आपकी जो भी जानकारी आपने दी है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, पुलिस तुरंत संज्ञान लेगी। जिले के अपराधों के नियंत्रण के लिए आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि पुलिस के साथ जो है आप सहयोग कीजिए ताकि हम जिले की शांति व्यवस्था को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सिंगरौली के जो पुलिस अधीक्षक हैं हमारे जिले के और जो साइबर टीम है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत ही अथक प्रयास के साथ हमारी जो मोबाइल खोई हुई थी, इस साइबर सेल और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जो भी बड़े अधिकारी के नाते जो आपने जो निर्णय लिया है, इस पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक को और साइबर सेल। नए वर्ष का तोहफा मिल गया लग रहा है। क्या आप पुलिस के लिए क्या कहना चाहोगी? आप बहुत अच्छा इनका मतलब काम है, यहाँ का अच्छा लगा, नए वर्ष में हमको नया सीख मिला इनसे कि ये भी मतलब लगता था कि काम नहीं करते, लेकिन आज खुद हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि ये लोग काम करते हैं, इन्होंने काम करके दिखाया और इतने सारे लोगों को सबका बताया।